कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लहर आने वाली है। बच्चों को रहना होगा दोगुना सावधान, माता पिता को भी रखना होगा ध्यान। लोग थोड़ी सी राहत मिलने पर ऐसे बाहर निकले हैं जैसे कोरोना छुट्टी पर गया हो और कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन पहली और दूसरी लहर में हजारों लाशें, रोते बिलखते लोग और तड़पती सांसों को कौन भूल सकता है। अभी चंद दिनों पहले की बात है जब लोग दर दर ऑक्सीजन तलाशते घूम रहे थे। कुछ केस कम हुए तो सरकार ने कुछ छूट दी ताकि रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके, लेकिन लोगों ने इसे ऐश का तरीका समझ लिया। इससे पहले कि आप भी यही भूल करें, हम आपको बताते हैं कि तीसरी लहर कितनी दूर है। जरा याद कीजिए, अब से करीब 5 महीने पहले कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में थी। मार्च के इस महीने में उत्तर भारत में कोरोना काबू में नजर आ रहा था और अधिकतर केस केरल और महाराष्ट्र से नजर आ रहे थे। अभी भी हाल बिल्कुल वैसे ही है, बस साल बदल गया है, तारीखें बदल गई हैं। उत्तर भारत में कोरोना काबू में दिख रहा है और ज्यादातर केस केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। कम होते एक्टिव केस जहां राहत प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्यों की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने उन राज्यों को सख्ती करने को कहा है जहां कोरोना केस दोबारा से लौट आए हैं। इसमें केरल भी शामिल है, जिसके द्वारा बकरा ईद पर दी गई छूट से कोर्ट भी नाराज हुआ था। अब आपको हर राज्य की स्थिति समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस राज्य में खतरा सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 30% कोरोना केस अकेले केरल से आ रहे हैं, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा मात्र 6% के आसपास था। महाराष्ट्र से देश में कुल केसों में लगभग 20% कोरोना केस आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों से भी अप्रैल मई की तुलना में अब ज्यादा केस आने लगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई तीसरी लहर आने वाली है? तो हाल ही में रॉयटर्स ने एक सर्वे कराया जिसमें शामिल 100% वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरी लहर हर हाल में आएगी। इनमें से 85% वैज्ञानिकों ने कहा था कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, बाकियों का मानना था कि अगस्त या सितंबर में तीसरी लहर आ जाएगी। ये कितनी खतरनाक होगी, इससे कुछ उदाहरणों से समझिए। अभी ब्रिटेन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में तीसरी लहर आई है, जहां दूसरी लहर से काफी ज्यादा केस मिल रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की ये तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होने वाली है। हालांकि कई वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन सभी का एक सुर में मानना है कि तीसरी लहर हर हाल में आएगी, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतिए, मिली छूट का नाजायज फायदा मत उठाइए, अपने और अपने परिवार के लिए खुद जिम्मेदार बनिए, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।